अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा इयर रिंग लेकर आई हूँ, बीड्स के साथ बना हुआ। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बीड्स हैं, ये पर्ल के, ठीक है। आप कोई से भी ले सकते हैं, क्रिस्टल में ले सकते हैं या बीड्स जैसे कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए जो है, सबसे पहले मैंने थ्रेड जो लिया वो लिया मैंने पैराशूट का, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से लाइटर के साथ जो ठीक कर लिया है। उसके बाद मैंने ये हुक लिया है, सीज़र की ज़रूरत है मुझे, और साथ साथ लाइटर की ज़रूरत है मुझे, उसके साथ साथ ये प्लास की मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहले बीड्स जो हैं, देखिए मैंने इसमें डाल लिए हैं। जब आप इसको लाइटर के साथ थोड़ा सा थ्रेड को ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा जला के इसको कर लेते हैं, तो ये देखें, ये बीड्स जो हैं बड़े आराम से इसमें चले जाते हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 7, मुझे 7 बीड्स की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले हम 6 बीड्स लेंगे। 6 बीड्स लेने के बाद उसको इस तरीके से गिरा लगा देंगे, बीड्स को ज़्यादा टाइट नहीं करना और ना ज़्यादा लूज रखना, नॉर्मल रख के गिरा लगाएंगे, 2 गिरा लगा देंगे, ठीक है। गिरा लगाने के बाद देखें, जो 7 वाला बीड है वो हम इधर दरमियान में रखेंगे और 3 बीड्स इधर, 3 बीड्स इधर करके, ये देखें ये बीड है, यहाँ पर इसको 3 बीड्स इधर हैं, 3 इधर हैं, और कोड को हम इस तरीके से, थ्रेड को इस तरीके से करेंगे इसके अंदर और इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ हम दोबारा गिरा लगा देंगे, गिरा कोशिश करेंगे दरमियान में है, यहाँ पर भी गिरा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने के, फ्लावर का जो है वो फ्लावर जो है वो देखने में अजीब सा लगने लग जाएगा अगर आप ज़्यादा टाइट कर देंगे इसको, तो ज़्यादा टाइट नहीं करना इसको। ये देखें, नॉर्मल से रख कर इसको, तो यहाँ पे गिरा लगा दें। उसके बाद जो है इसको हम कट करेंगे सीजर के साथ, ये कट कर दिया। अब हमें जो चाहिए इस तरीके से, देखें लाइटर के साथ इसको हमें दोबारा से जो है वो करना है ठीक। ये कर दी मैंने, इसके बाद ये करेंगे इधर वाली साइड से करके, इसको साथ ही अटैच कर देना है इसके, ठीक है। ये देखिए, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये मेरे पास इस तरीके से आ गया बीड्स, फ्लावर तैयार है मेरा। और यहाँ पर हम लेंगे हुक को, नोज़ प्लास के साथ खोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये खोल लिया मैंने। अब देखिए, जहाँ गिरा लगाई थी वो नीचे वाली साइड है, ये वाली हमारी सीधी साइड है, जहाँ पे ये देखें 3 इधर फ्लावर है, 3 इधर है, सॉरी बीड्स हैं, और यहाँ से दरमियान वाला जो है, इधर से या इधर से किसी भी साइड से दरमियान वाला जो है उसमें से हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। ये यहाँ से निकालने के बाद इसको नोज प्लास के साथ ही दोबारा हम जो है वो टाइट कर देंगे। अब ये थोड़ा सा अभी और टाइट होगा, इसको अच्छे से टाइट करना है ताकि थ्रेड जो है वो इसके अंदर ही रहे, अंदर से बाहर ना आए, ठीक है। यहाँ से ये मैंने टाइट कर दिया। अब ये देखें, ये मेरा इयररिंग जो है वो तैयार है। ये देखिए, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं पर्ल्स के साथ। आजकल पर्ल्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स दें और साथ साथ इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो चलें, मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।